हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। हम इस क्वेश्चन में एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लेते हैं, a माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। हम यहां पर देख रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में आइडेंटिटीज फॉर्म हो रही हैं, यहां पे a माइनस बी होल क्यूब की और यहां पे a प्लस बी होल क्यूब। ये दोनों आइडेंटिटी पहले यहां पे मैं नोट कर देता हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है आइडेंटिटी में। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यहां पे यूज करनी है। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहां पे a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a सेम। ठीक है, अब इसके बाद ए क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूं ए स्क्वायर इंटू आई में, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए में। ये मैंने ब्रेक पता क्यों किया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आई। ठीक है ना, तो जहां जहां आपको ए क्यूब मिले ना उसको ब्रेक कर दो ए स्क्वायर इंटू ए में। ओके, आई क्यूब, आई की पावर कुछ भी हो वो आई होता है, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूं आई। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर आई, वो ध्यान से देखना 3 का 3, a स्क्वायर की जगह पे आएगा आई, फिर आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर, तो उसको मैं खाली आई लिख देता हूं। अभी तो बताया मैंने आई की पावर कुछ भी हो वो सिंपली आई ही लिखा जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे आई इंटू आई होना था, इसको मैंने आई लिख दिया। नेक्स्ट 3 इंटू ए आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर तो आई हो गया, ये हो जाएगा 3ai, 3ai, फिर से ए क्यूब आ गया, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यूब का आई, यहां पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे आई, तो 3 इंटू आई इंटू आई, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को सिर्फ आई। ठीक है, फिर यहां पे 3a आई स्क्वायर को आई माइनस 7a। ओके, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा आई, आई इंटू ए, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, माइनस 3i से प्लस 3i कैंसिल। ओके, और कुछ यहां पे नहीं कट रहा है ना, बस 3ai। देखो बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आता है। जैसे यहां पे a इंटू आई है ना, तो a इंटू आई या फिर i इंटू ए, ये दोनों ही a के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो मैट्रिक्स ही निकल के आती है। ठीक है, तो यहां पे काम करते हैं, 3ai को मैं लिख दूंगा 3a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3a, फिर यहां पे देखो ए स्क्वायर है ना, यहां पे आ जाएगा आई, आई इंटू ए, फिर ये फिर से ए इंटू आई है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ओनली ए, तो 3 इंटू ए 3a माइनस 7a, आई इंटू ए अभी बताया मैंने आपको a होता है 3a, आई इंटू ए प्लस 3a माइनस 7a।
ए प्लस थ्री ए फोर ए, फोर ए प्लस ए फाइव ए, फाइव ए प्लस थ्री ए एट ए, एट ए माइनस सेवन ए वन ए, यानी ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर।